हेलो स्टूडेंट्स, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्पेसिफिकली फॉर जेई एडवांस। क्वेश्चन क्या है? इफ दिस इक्वेशन हैज अ डबल रूट। डबल रूट का मतलब क्या है? डबल रूट मतलब रिपीटेड रूट है बट दो बार ऑकर कर रहे हैं, मतलब अल्फा और अल्फा इसके रूट है। तो अगर डबल रूट बोला गया है तो इसका मतलब क्या है कि एक रूट दो बार हो रहा है, ठीक है? ओके, तो के की वैल्यू निकालना है। पॉज करो, ट्राई करो, देन आई विल सॉल्व इट। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगर एफ एक्स, हम इसको मान लें 2x4 माइनस 3x3 माइनस 2x प्लस के इक्वल्स टू जीरो, और इसके दो रूट से सॉरी इक्वल टू जीरो, एफ एक्स ये है और अल्फा और अल्फा इसके रिपीटेड रूट्स हैं। तो अगर अल्फा कॉमा अल्फा इसके रूट्स है तो क्या मैं बोल सकता हूँ एफ डैश एक्स जो है अल्फा इसका भी एक रूट होगा? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। तो करते हैं फिर इसको डेरिवेटिव। ओके, अच्छा मैं बार बार जीरो लिख रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो 4x³ माइनस 3x-1। अच्छा, इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। x माइनस वन 4x² प्लस 4x+1, देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं? 2x-1 इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर। तो अभी देखो एफ डैश एक्स मेरा क्या आया, 2x-1 2x+1 का होल स्क्वायर। अब इसके रूट्स क्या है? इसको जीरो करना पड़ेगा, करेक्ट। तो एक तो x-1 हो गया, सॉरी एक x=1 है इससे, और दूसरा क्या, -half। अब देखो जो रिपीटेड रूट है वो एफ डैश एक्स में एक बार आएगा, मतलब अल्फा कॉमा अल्फा अगर एफ एक्स के रूट है तो अल्फा ही एक एफ डैश एक्स का रूट आएगा, करेक्ट। तो यहां से हम 1 लेंगे, माइनस हाफ को क्यों नहीं लिया? देखो एक तो लॉजिक मैंने बताया कि एक बार ऑकर करेगा तो ठीक है। तो कोई बोल सकता है कि सर माइनस हाफ है तो मे बी एफ एक्स के रूट अपने माइनस हाफ तीन बार होंगे, बिल्कुल हो सकता है। बट डबल रूट बोला गया है, इसका मतलब क्या है? दो बार ऑकर करेगा, दो ही बार ऑकर करेगा, उससे ज्यादा नहीं। अगर ये हो गया रूट तो तीन बार ऑकर करेगा। तो यानी कि x=1 इज द करेक्ट आंसर, मतलब x=1 इसका एक रूट है। तो अभी k की वैल्यू अगर निकालना है तो x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 2-3-2 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो यानी कि k की वैल्यू आ गई 3। ध्यान रखना यहाँ पे हम f'x का लॉजिक इसीलिए लगा पाए क्योंकि k जो है वो x^0 के साथ एसोसिएटेड है, मतलब x की पावर है ही नहीं k के साथ, ठीक है? That's why. अगर k यहाँ पे होता तो डेरिवेटिव करने के बाद भी k रहता तो उसको हम वैसे सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है? तो ध्यान रखना ये प्रॉब्लम बहुत इजीली हो गया स्पेसिफिकली फॉर जेई एडवांस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। चलो आई होप सबको समझ आया है। ओके चलो, थैंक यू।